और हम आपसे भी कहेंगे बुजुर्गों नौजवानों, यहां बहुत से ऐसे लड़के हमें दिखाई दे रहे हैं नौजवान जो अभी तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी कर रहे हों, मदरसों में कर रहे हों, स्कूलों में कर रहे हों, लेकिन वो भी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर सको ना कर सको, अपना एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा देना, इससे बड़ी मोहब्बत आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपने बच्चों को तालीम दिला देना, यह तालीम ही थी जो इमरान आज मंच पर बैठे हैं, हम आपसे अवगत कर रहे हैं। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैं 5-5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, अल्लाह ताला ने इज्जत दिया, शोहरत दिया, उसका लाख लाख शुक्र है, लाठी में भी ताकत दिया, लेकिन अगर कहीं कहीं मुझको एहसास होता है अपने अंदर अगर कमी, तो यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूं, इल्म की कमी एहसास होती है। और मैं बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं, बहुत सी जगह एहसास से कमतरी का शिकार हो जाता हूं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो दिन आपके बच्चे न देखें। और याद रखना, इल्म इसलिए हासिल नहीं किया जाता कि डिग्री लेके जाएंगे नौकरी मिल जाएगी, ना भी अगर नौकरी मिलेगी, ट्रक भी अगर चलाओगे, जाके टैक्सी भी अगर चलाओगे और आप पढ़े लिखे होगे, आपके पास इल्म होगा, तो याद रखना, इल्म वो चीज है कि जो हर कदम पे दिन भर में, दिन में कई दफे आपको इज्जत दिलाती है, आपको सम्मान दिलाती है, इल्म के अंदर वो ताकत है। इसलिए अपने बच्चों को पढ़ा लेना।